दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक जरूर करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मैं किसी को नंबर नहीं दे सकता पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बात जरूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए तीनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक फर्स्ट कमेंट है, G4S का सैलरी कौन देता है। G4S की सैलरी हर महीने 7 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है और उसी दिन वो सैलरी डालते हैं सभी के अकाउंट में एक साथ, और शाम तक आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाएगी 7 तारीख को। और आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन देता है सैलरी और कब लेनी है, आपके अकाउंट में हमेशा आ जाती है आपकी सैलरी। और फोटोकॉपी करके देनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी, उसमें आपको अपनी पासबुक की भी देनी पड़ती है, इसलिए वो फोटोकॉपी इसलिए लेते हैं क्योंकि अकाउंट में ही सैलरी भेजते हैं वो हमेशा सभी की। नेक्स्ट कमेंट है, भाई ग्राम से कैरेक्टर पहचान पत्र कैसे बनवाएं दिल्ली? भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है जिससे उन्हें ये पता चलता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो उससे पता चलेगा कि आपने कभी कोई जुर्म नहीं किया और कोई भी आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट से ये पता चलता है। क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है तभी वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, नहीं तो नहीं देते। उससे आपके जुर्म और केस की पता चलता है कि आप पे कोई केस या जुर्म केस तो नहीं चल रहा, कोई जुर्म तो नहीं किया आपने। और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी नेट वाले के पास चले जाओ, वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर देगा और पुलिस वाले आपसे फ़ोन करके पूछेंगे। मैंने 2 बार पुलिस वेरिफिकेशन करवाई है, तो एक बार तो उन्होंने फ़ोन पे पूछ के कुछ मेरे बारे में, घर के बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछे थे, और दूसरी बार जब मैंने पुलिस वेरिफिकेशन करवाई तो उन्होंने मैं पुलिस थाने बुलाया था, तब उन्होंने बातचीत की थी, उसके बाद मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है, भाई G4 में कितनी एज चाहिए होती है? भाई मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मुझे भी काम करना है। भाई आप भी G4S में काम करो, G4S बहुत अच्छी कंपनी है, बस उसमें एक ही दिक्कत है, ड्यूटी स्टैंड अप होती है, बाकी तो सब ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है, भाई अभी भी वहीं पर काम कर रहे हो क्या? ईशा, अभी तो मैंने G4S छोड़ दी है क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ईशा आप उससे एक बार इंस्टाग्राम पर बात करना, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट कमेंट है, ब्रदर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ ड्यूटी, मैं पंजाब से हूँ। भाई बहुत अच्छी बात है, आप G4S ज्वाइन करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा सभी को। नेक्स्ट कमेंट है, G4S का सैलरी कौन देता है? भाई G4S की सैलरी हमेशा अकाउंट में आती है और ऑफिस वाले आपकी सैलरी हमेशा अकाउंट में भेज देते हैं, इसकी टेंशन मत लो कि आपको कौन देगा और कब देगा। आप मस्त होके ड्यूटी करो, आपकी सैलरी हर महीने 7 तारीख को आ जाएगी अकाउंट में। नेक्स्ट कमेंट है, भाई तुम्हारा नंबर मिल सकता है? भाई आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो और यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हो, मैं नंबर नहीं दे सकता। नेक्स्ट कमेंट है, जयपुर में हाय सर जॉब करना है। भाई मेरे हिसाब से मैंने G4S का जयपुर का ऑफिस एड्रेस दिया है, वहाँ पे आप देख लेना, और पर मैंने आप एक बार देख लेना, मैं भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जयपुर का ऑफिस एड्रेस दे दूंगा अगर मिल जाता है तो, पर मुझे लगता है कि वहाँ पे ऑफिस नहीं है G4S का, फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको मिल जाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शो कर दूंगा। नेक्स्ट कमेंट है, भैया बिहार में सीता
सीता मरई, सीता मरई जिला में जीपोरेस में कैसे ज्वाइन करें? भाई मैं आपको सीता मरई का ऑफिस एड्रेस दे दूंगा, वहाँ पर आप जाओ और उनसे पूछो वैकेंसी चल रही है या नहीं जी फॉरेस्ट में, वो बोलेंगे। आप पता करते रहना, अगर वैकेंसी नहीं चल रही होगी और चल रही होगी तो आप वो आपको बता ही देंगे। मिनिमम हाइट आपकी 5-10 होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको इसी तरह सपोर्ट करते रहूँगा। जी फॉरेस्ट में ज्वाइन होते रहिए और कोशिश करते रहिए, मेरे साथ हमेशा बने रहिए और हमेशा मुझे भी सपोर्ट करना। वीडियो पूरी देखा करो भाई, स्किप मत किया करो, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप सभी को पता है। राधे राधे।